मैम मैम थोड़ा आगे पढ़ना है क्या भाई? वेट मैम वेट 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 थैंक यू बेटा मैम। हाँ भारी और कुछ दौड़ बन हेलो कितने जाते हैं अंकिता मैम? हाँ बस अंकिता मैम अंकिता बाइक कर ले स्मॉल बाइक मैम अंकिता मैम बाइक गिरा देते तुम लोग यार ऐसा करोगे उतार के लेना क्या बोल रहा हूँ भैया तो अभी अभी तो फिर स्क्रीनिंग के बाद अंदर जाके कर देंगे भाई पहले यहाँ पे विजुअल नहीं इधर ही इधर ही करना है जल्दी आना अरे अंदर बोल रहे हैं एक मिनट रुकना यार विजुअल बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ बहुत एक्साइटेड मैं पहली बार ही देखने वाली हूँ उससे पहले मैंने नहीं देखा सिर्फ बिट्स एंड पीसेस में देखा है तो आज पूरा फिल्म देखने वाली हूँ तो ऑब्वियसली बहुत एक्साइटेड हूँ इट्स फैंटास्टिक मेरे दोस्त और रिलेटिव्स जो भी है उनको बहुत पसंद आ रहे हैं सारे सोशल मीडिया में फैंस के मैसेजेस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ऑब्वियसली बहुत अच्छा था मैं कंगना की मैं बहुत टाइम से उनके काम का एडमायरर रही हूँ तो ये मेरे लिए एक अच्छा मौका था कि मैं उनको सामने से एज अ पर्सन जान पाऊँ हाँ तो एक्चुअली मैं यहाँ पे नहीं थी मैं कल ही आई वापस और कल आते ही डायरेक्ट मैं नेशनल म्यूजियम की ओपनिंग की इवेंट में गई थी तो मुझे कुछ खास जानकारी नहीं है इस बारे में पर मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है कमल सर जल्दी ठीक हो जाए जी बहुत अच्छा था तो पहली बार ही मैं मोदी जी से मिली आई थिंक एक भारतीय होने के नाते मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जो हमारे देश को एज अ प्राइम मिनिस्टर सर्व कर रहे हैं उनसे मुझे मिलने का मौका मिला तो बहुत अच्छा लगा क्या बात हुई ओके ज़्यादातर तो वो ये बोल रहे थे जो अपना नेशनल म्यूजियम का ओपनिंग हुआ है आई थिंक इट्स अ वेरी नोबल कॉन्सेप्ट बिकॉज आमतौर से भारतीय जनता जो है सिनेमा को सिर्फ एक मनोरंजन का साधन समझते हैं बट देन फिल्म्स का एक बहुत ही ज़्यादा महत्व है हर चीज़ के ऊपर यू नो हमारे कल्चर के ऊपर और विदेशों तक काफ़ी देश में हमारा जो कल्चर है उसको पहुंचाता है हमारी हमारी सिनेमा हमारी फिल्में तो उस सब बारे में बात हुआ वेलकम मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर मूवी बहुत ही मेहनत से बनाई जाती है और जब ये इशू जब ये मूवी हम रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बना रहे हैं तो हम एक्स्ट्रा सेंसिटिव रहे उस चीज़ को लेके और सब ने बहुत ही केयर किया कि यू नो कहीं पे हम थोड़ा सा भी गलत ना हो जाए और हमने यही ट्राई किया है कि उन्होंने जो भी किया है हमारे देश के लिए वो और उभर के आए और लोगों को पता चले कि उनकी क्या सैक्रिफाइसेस रही है जिसकी वजह से हम आज़ादी की ज़िंदगी जी रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि हमसे कहीं भी ऐसा कोई गलती हुआ है तो वो तो जब फिल्म आएगा लोगों को ऐसे ही पता चल जाएगा नहीं ये तो बहुत ही देखिए देश में लॉ है और हमारा जो सेंसर बोर्ड है हमारी फिल्म में तो प्रसून जोशी जी है इससे ज़्यादा क्या होगा यू नो एक फिल्म को प्रॉपरली कंट्रोल करने के लिए इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है तो ये जो अगर किसी ने अटैक्स की धमकी दी है तो बहुत गलत बात है इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी थैंक यू मैं
आई थिंक आई मीन आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म, क्योंकि एक तो ये लेजेंडरी है स्टोरी हमारे देश की, एंड आई थिंक इट्स ऑल अबाउट विमेन एम्पावरमेंट, एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट यू नो कंगना हैज पिक्ड अप अ टॉपिक लाइक दिस व्हिच इज व्हिच डील्स एंड ग्लोरिफाइज आवर विमेन शीरोज ऑल थ्रू द सेंचुरीज एक्चुअली. ट्रेलर भी बहुत ही रॉक सॉलिड है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग द फिल्म ऑल्सो टू बी एब्सोल्युटली रॉक सॉलिड. I'll see the film, then I'll tell you all. Let me just see the film, na. Let me just see the film, na. One second. अच्छा, I'm sorry, मैंने ये पढ़ी नहीं है controversy. I'll just find out about it and I'll let you all know. I think it's not at all justified. It's terrible. I think these kind of people, these kind of threats should be taken really seriously. Really. Thank you. Jhansi Lakshmi has been a heroic figure in this country. So definitely we are interested in watching a movie about her. Thank you. Kangana ji ne aapko jab invite kiya, how was trailer? Aapne dekha rehega, kitna pasand aaya aapko guru ji? The trailer looks exciting, let's see. Sir, Kangana also getting side from French group, what do you want to say? I said attacks they are given. Sir, your guru ji, you should, your opinion is matters. This, you know, a cinema is a cinema. If you like to see it, you see it. If you don't like to see it, you don't see it. There is no need for all this unnecessary situations. See, there is a law in this country. The law should act. Nobody can threaten anybody about anything in this country. That's what law is supposed to be. I'm sure the law will act and make sure the movie will happen. Above all, Jhansi Rani is such a hero in this country, I'm sure people will enjoy that. Sir, do you not think government should take action? I said this is not about the government, there is a law of the land, they should take care. Thank you so much. Thank you. कंगना जी पीछे भी कंगना जी मैम बेट थैंक यू मैम, थैंक यू Subscribe my channel and press the bell icon.